बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आइडियल इलेक्ट्रिकल के चैनल में सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो बात यह करनी है कि हमारा चैनल जो है वो पिछले दिनों हैक हो गया था और बड़ी मुश्किल से हमने वो रिकवर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गया है और ये यूट्यूब की टीम का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमारे साथ बहुत ही तावन किया है, बहुत ही अच्छा तावन कोऑपरेट किया है और चैनल वापस लाने में हमारी मदद की है। अल्लाह पाक उन सबको खुश रखे। ये यूट्यूब वालों की बड़ी मेहनत है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारा जो चैनल है रिकवर करवाया। तो ये हैक हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गए। तो मेरा मकसद सिर्फ यही था एक छोटी सी वीडियो बनाने का, बाकी चंद बातें और भी मैं करूँगा इंशाल्लाह। पहले तो इनका शुक्रगुजार हूँ कि हमारा जो चैनल है वो वापस इन्होंने दिया है हमें, और दूसरे ये है कि एक हमारे मोहतरम हैं माशाल्लाह उस्ताद भी हैं, ज़ाहर है उम्र में मुझसे ज़्यादा हैं, ज़फ़र इकबाल साहब हैं जो माशाल्लाह सियालकोट से तलक रखते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और उनके पास बड़ा तजर्बा है मेरे ख्याल में, क्योंकि मुझे भी बड़ी ज़िंदगी हो गई है। तो उन्होंने मुझे चंद बड़ी कीमती चीज़ें मुझे दी हैं फार्मूले, और मेरा ख्याल है कि यही चंद फार्मूले जो हैं वो एक आम इलेक्ट्रीशियन जो है वो सारी ज़िंदगी इसी पर मेहनत करता है। वो फार्मूले क्या हैं कि एक तो खाली मोटर का फार्मूला कैसे निकाला जाए, ये बड़ी मैं YouTube पे वीडियोस देखता हूँ कि वो ज़रबें तकसीमें दी होती हैं, कुछ करना भी पड़ता है तो इसके अलावा समझ भी नहीं लगती। तो वो ज़रब तकसीम क्या होती है वो समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम दरकार होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये फार्मूले हैं, तो बाकी थ्री फेज़ का भी सिंगल फेज़ का भी दोनों का, किस तरह उनकी टर्नें निकालनी है और तार नंबर क्या निकालना है, एक तो ये मेरे पास है। इंशाल्लाह जो आइंदा वीडियो बनाएंगे वो एक एक करके बनाएंगे ताकि आपको समझ लगती जाए दोस्तों को कि किस तरह फार्मूला, थोड़ी सी मेहनत चाहिए कि किस तरह ज़रब तकसीम करनी है, उसकी पमाइश करके कोर आईडी ओडी जो भी है ओडी आप पमाइश करेंगे उसके हिसाब से आगे जो है वो सिलसिला चलेगा। सिंगल फेज़ और थ्री फेज़ के दोनों के फार्मूले। और दूसरी जो कीमती चीज़ उन्होंने मुझे दी है माशाल्लाह, ये एक ब्रिटिश कंपनी का ये ग्राफ है, ये अल्युमिनियम से सिल्वर को किस तरह कन्वर्ट करना है, ये बड़ी प्यारी चीज़ है, एक छोटा सा ग्राफ है, ये आम समझ लग जाती है। तो ये उन्होंने, ये देखिए ना, ये इस तरह सीधा है, ये अल्युमिनियम के नंबर दिए हुए हैं, ये कॉपर के दिए हुए हैं। मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, वैसे तो बाद में मैं ये तफसीली आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। ये जो लाइन है ये ग्राफ की एक तरतीब होती है, आम मेरे ख्याल पढ़े लिखे इलेक्ट्रीशियन जो हैं वो समझते हैं, ना भी पढ़े लिखे हों उनके लिए ये लकीर जो बड़ी कारामद है इसको फॉलो करना है। अब जिस तरह ये 25 नंबर है, ये लाइन जा रही है यहाँ पे आके टच कर रही है, आप नीचे चले जाएंगे तो आप कापर में इसका हिसाब लगाएंगे कि ये कौन सा नंबर आएगा, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, मोटी ब्रीक का हिसाब होता है बड़ी मोटरों में भी छोटी मोटरों में भी। तो इंशाल्लाह ये भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा, यानी ये दूसरी कीमती चीज़ है जो उन्होंने मुझे, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, उन्होंने मुझे दी है। और तीसरी चीज़ जो दी है उन्होंने, रोटर का पमाइश करके बैरंग का साइज़ निकालना, ये भी बड़ी कीमती चीज़ होती है मेरे ख्याल में, मोटर में यही दो तीन चीज़ें, उसका फार्मूला निकालना कि तार नंबर क्या होती है, टर्नें कितनी डालें, और दूसरे अगर सिल्वर में निकल आइए तो आप कॉपर में किस तरह उसको कन्वर्ट करेंगे, या कॉपर से सिल्वर करना चाहते हैं तो किस तरह तरतीब लगाएंगे, और तीसरे कई बैरंग होते हैं उनके ऊपर लिखा नहीं होता, बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, वो आप उसे मीटर से गेज से चेक करके तो आप उसका फार्मूला भी निकाल सकते हैं कि इसको बैरंग कौन सा लगेगा, ये भी बड़ा सिंपल है। तो इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी। तो ये तीन वीडियो मैं अलग-अलग बनाऊँगा और इंशाल्लाह बड़ी तफसील के साथ आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि किस तरह मोटरों का वो तरतीब लगानी है, ये सिल्वर और कॉपर वाला, तीसरा बैरंग का साइज़ जो है किस तरह निकालना है रोटर की पमाइश करके। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अभी आज की ये चंद बातें करने का मकसद यही था कि हमारी जो चैनल की तफसील मैंने आपको बतानी थी, और बाकी इसके मतलब हमने तनवीर असगर है जो कराची से तलक रखते हैं, माशाल्लाह उनकी बड़ी अच्छी वीडियो होती हैं, कोई भी रिलेटेड वीडियो जो नेट के मतलब, चैनल के मतलब, आपकी ट्रांजैक्शन के मतलब या मोनेटाइज के मतलब है वो बताते हैं, बड़ा अच्छा, तो वो भी बड़ा अच्छा जा रहा है, उनसे भी हमने मशवरा किया था, कुछ दोस्तों ने और भी मशवरे दिए, लेकिन सबसे जो मेहनत और हमारे साथ जो
ये बैक करने में यूट्यूब का तामन था वो सबसे बेहतर था और बहुत अच्छा था, उन्होंने हमारा ये रिकवर कराया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल अभी शुरू हुआ है तो वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी, दोबारा इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जो भी नए दोस्त देख रहे हैं तो वीडियो भी देखें, इंशाल्लाह आगे आगे चलते जाएंगे और जो भी है इलम आपके साथ शेयर करते जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।